बात सुने, मैं नहीं आ रही खाने के लिए, मेरा नहीं मूड हो रहा। अरे नहीं नहीं सुनो, हमारे साथ चलो खाना इकट्ठे खाते हैं, बुरी बात। आप दोनों ना मुझ पर हंस रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हम आप पे थोड़ी हंस सकते हैं। मेरी शक्ल देखे, मुझे देख कैसे लगता है कि मैं आप पे हंस सकती हूँ? बस वो तो वैसी हल्की सी हंसी निकल गई। अच्छा क्या हो रहा है, हमें भी तो पता चले। कुछ नहीं, वो बस दादू और सनम जी रूहान के घर गए थे मामा जी की तबीयत पूछने, तो बस उसी की बात कर रहे। अच्छा तो हमें भी ले चलती मामा जी को मिल लेते हम भी। बाबा आपको बताया तो था, याद नहीं है आपको? मामा जी का एक्सीडेंट हुआ था, सनम जी और दादू ने उनको देखने जाना था। तो फिर इनकी शक्ल की बनी हुई है वो? एक्चुअली चुपाई ने सनम को डिटेल से बताया ना माँ जी। अगली बार मैं वहां गई ना और मैंने उस चीची की टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम पिनो पौड़ी रख दीजिएगा। दफा सनम, खाना तो खा लो हमारे साथ। मेरा नहीं मूड। दानिया बेटा जाओ। मैं जा। सनम जी, सनम जी। एहसान मुझे बताओ कि तुमने तय कर लिया है कि तुम दानिया की मंगनी पे उसकी माँ को नहीं बुलाओगे? कम ऑन मम्मी, मैं तो उसका नाम भी भूल गया उस घर में, और प्लस इतने सालों में उसे दाने के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन उसे बताना तो चाहिए ना कि उसकी बेटी की मंगनी हो रही है। मेरे ख्याल में तो जरूरत नहीं है, छोड़े आप इस बात को। क्या करते हो तुम, जिद लगा लेते हो ना, तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा इसको समझने की कोशिश करो।